हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमायर क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास होगी और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हुआ है, जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनका जो किरण की बुक आती है उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, जो अभी आपका एग्ज़ाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो Study19 कोड आपको अप्लाई करना है, वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों ये किया गया था विटेकर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आरएच विटेकर, इन्होंने ही जीवधारियों को 5 जगत यानी कि 5 किंगडम में विभाजित किया था। दोस्तों ये किंगडम कौन कौन से है ये जान लेते हैं। तो पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। तो 5 जगत वर्गीकरण किया गया था विटेकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? तो दोस्तों सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है एसीटे बुलेरिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसीटे बुलेरिया है और इसका जो नाभिक होता है वह भी सबसे बड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाए एसीटे बुलेरिया। नेक्स्ट, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है, यानी सबसे बड़ा बच्चा कह सकते हैं कौन सा जानवर पैदा करता है? तो वो होगा नीली वेल, ब्लू वेल। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ा शावक पैदा करती है दोस्तों, जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट और वजन लगभग 4 टन होता है। 4 टन दोस्तों, वेल की लंबाई 100 फीट से भी अधिक होती है और अगर इसके गर्भावस्था काल की बात करें तो वह लगभग 1 साल का होता है। तो सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो हो जाएगा ब्लू वेल यानी कि नीली वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वो है हमारा कान। जी हाँ दोस्तों, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए कान का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी आँख का, नाक और बालों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकशेरुकी में नहीं होता है क्या? तो दोस्तों अकशेरुकी में पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड जो होता है नहीं होता है, जबकि कशेरुकियों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड यानी कि पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ रज्जु। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। दोस्तों ये अफ्रीका में पाया जाता है और ये उड़ने में असमर्थ होता है तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है। तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा विशालतम जीवित पक्षी है और पाया कहाँ जाता है? तो वो हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों वो हमारा होता है गुंजन पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। हमिंग बर्ड यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों। वर्तमान में अगर बात करें तो 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग जो बर्ड है वह संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी मानी जाती है। और यह पाई कहाँ जाती है? तो यह पाई जाती है क्यूबा में।
दोस्तों ये मात्र एक ऐसी पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है। तो सबसे छोटा पक्षी हो जाएगा गुंजन पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड, पाई जाती है कहाँ पे, तो वो हो जाएगा क्यूबा में, और आगे पीछे दोनों तरफ उड़ने में ये सक्षम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो दोस्तों ये जो जल में तैरने वाले पक्षी होते हैं इनके जो पैर होते हैं वो जाल युक्त होते हैं, तो यानी कि जाल युक्त पैर इनकी विशेषता होती है। जैसे बत्तख, राजहंस आदि जो पानी में तैरने वाले पक्षी होते हैं इनमें पराअंगुलियाँ आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं, यानी कि जितनी भी इनकी अंगुलियाँ होती हैं पैरों की वो जाल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और जाल युक्त पैर द्वारा इन्हें तैरने में मदद मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाल युक्त पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्तों कपोत दुग्ध उत्पन्न किया जाता है पक्षी के द्वारा, बेसिकली कबूतर के लिए बोला गया है। दोस्तों पक्षियों के द्वारा यानी कि कबूतरों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला एक स्राव होता है जो बिल्कुल दूध के जैसा होता है, तो इसीलिए इसे कपोत दुग्ध कहते हैं, तो किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है? तो राइट आंसर होगा पक्षियों के द्वारा। नेक्स्ट, संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों वो हमारा होलिस्टीन फ्रीजियन। जी हाँ दोस्तों, यह संसार की, यह सबसे पहले बता दें यह है क्या, तो यह गाय की एक नस्ल है जिसे हम होलिस्टीन फ्रीजियन के नाम से जानते हैं, और यह दुनिया की यानी कि संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल मानी जाती है, यानी कि यह सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय है। तो राइट आंसर हो जाएगा होलिस्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो दोस्तों ये होते हैं चमगादड़, जो पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चमगादड़। दोस्तों जो चमगादड़ होता है यह कार्डेटा संघ से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। नेक्स्ट, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो दोस्तों वैज्ञानिक नाम लिखने में हम लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो दोस्तों गंगा सुंस या फिर गंगा नदी की जो है डॉल्फिन, यानी गंगा डॉल्फिन को ही हम राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिए हैं। तो गंगा में पाई जाने वाली सुंस जिसे हम गंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं यह भारतीय का राष्ट्रीय जलीय जीव है। दोस्तों गंगा नदी के जल की शुद्धता को प्रदर्शित करने वाली यह मछली होती है कह सकते हैं, क्योंकि यह जो गंगा डॉल्फिन है यानी कि जो डॉल्फिन होती है ये शुद्ध जल में ही रह सकती है, तो अगर गंगा नदी में रहती है तो यह दर्शाती है या फिर यह प्रूफ करती है कि जो गंगा नदी है वो शुद्ध नदी है, तो यानी कि शुद्धता को भी दर्शाती है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो हो जाएगा गंगा नदी की डॉल्फिन। नेक्स्ट, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? दोस्तों हरित ग्रंथियां संबंधित हैं उत्सर्जन से। दोस्तों हरित ग्रंथियां एक जोड़ी की संख्या में कुछ जल जीवों में उपस्थित रहती हैं, ये कीड़ों के स्पर्श सूत्र के आसपास खुलती रहती हैं, तो हरित ग्रंथियां संबंधित हैं उत्सर्जन से। नेक्स्ट, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों यह सरीसृप श्रेणी में आते हैं, यानी कि सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये सभी सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और इस वर्ग के जंतुओं की जो त्वचा होती है वो सूखी, खुरदरी तथा इस पर प्रायः जो है हार्नी सलकों का वाह्य कंकाल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? तो दोस्तों ये लगभग 65 मिलियन वर्ष से विलुप्त हो गया है, यानी 65 मिलियन वर्षों से डायनासोर का जो है कि अस्तित्व नहीं है। दोस्तों डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था जो कि ट्राइएजिक समय में पैदा हुए और क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए थे। दोस्तों लगभग 6.5 करोड़ यानी कि 65 मिलियन वर्ष पूर्व वे विलुप्त हुए, तो राइट आंसर होगा
65 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी कौन सा है? तो दोस्तों वो होगा हमारा गिब्बन, यानी असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी या बंदर वो गिब्बन है। दोस्तों यह छोटे आकृति के वृक्षों पर पाया जाने वाला आधुनिक कपी है, तो राइट आंसर हो जाएगा गिब्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो दोस्तों वो है हमारा साइबेरियाई सारस। जी हाँ दोस्तों, साइबेरियाई सारस भारत में स्थानीय स्तर पर बिल्कुल विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने की कगार पे है कह सकते हैं, तो साइबेरियाई सारस हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारी आँखों पर, यानी नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आँखों पर पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आँख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो दोस्तों अजगर सांप में विष नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अजगर जो कि लगभग 6 मीटर लंबा और मोटा होता है, और दोस्तों यह जो है कि विषहीन सांप होता है, यानी कि इसमें विष नहीं पाया जाता, लेकिन यह जो है बड़े से बड़े जानवर जैसे भेड़, बकरी, गाय, हिरन वगैरह को एक ही बार में निगल जाता है। तो कौन सा सर्प विष रहित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजगर। अब देखो, अगर आप अनअकैडमी प्लस बाय करना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो Study19 किसी भी जो एग्ज़ाम के लिए, SSC हो गया, UPSI हो गया, रेलवे एग्ज़ाम हो गया या UPSC एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम के लिए आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो Study19। इसके साथ ही जो आपकी रेटिंग, जो आपकी क्रेडिट है, ठीक है, जो आपको पॉइंट मिला है, वो भी पॉइंट आप डिस्काउंट में जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें, जस्ट आपको सर्च करना है हेमंत मिश्रा, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पे मेरी कम से कम 40 से 50 फ्री लाइव क्लास होने वाली हैं जो कि आपको रेलवे और SSC एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आपको फ्री लाइव क्लास कैसे मिलेगी? आपको जस्ट मेरा कोड यूज करना है Study19। Study19 कोड यूज करके आप वो फ्री क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों अनुवंशिकी का जनक हम मेंडल को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगर जार मेंडल ने अनुवंशिकता का या फिर वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवंशिकी की नींव रखी, इसीलिए अनुवंशिकी का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स हम मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों वो हमारा आनुवंशिकी, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जो आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी यानी फिर जेनेटिक्स। नेक्स्ट, आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स के नियम जो है उसका जो जेनेटिक्स शब्द है वो किसने गढ़ा था? अनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था? तो दोस्तों ये अनुवंशिकता शब्द का यूज किया गया था सबसे पहले बेटसन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, W. बेटसन, इन्होंने ही 1905 में सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द यानी कि अनुवंशिकी शब्द का उपयोग किया था। तो बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया कब? तो वो हो जाएगा 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह घटना कहलाती है एपिस्टेसिस। जी हाँ दोस्तों, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह जो घटना होती है एपिस्टेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्नता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों संलग्नता की जो खोज थी वो बेटसन के द्वारा की गई। जहाँ दोस्तों संलग्नता की खोज ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, ये विलियम बेटसन, जिन्होंने मैं आपको बताया कि सबसे पहले जेनेटिक शब्द का इस्तेमाल किया था,
इन्होंने ही संलग्नता की खोज की थी, किसके साथ मिलकर के, तो विलियम बेटसन और रेगिनाल्ड प्रुंडल पुनेट ने, बेटसन और पुनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः निषेचन होता है कहाँ पर, तो जो निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में। जी हाँ दोस्तों, अगर नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन होता है तो उसी को हम निषेचन कहते हैं। और दोस्तों ये जो निषेचन क्रिया है ये डिंब वाहिनी नली में पूरी होती है या फिर संपन्न होती है, तो राइट आंसर होगा डिंब वाहिनी नली। नेक्स्ट, जीन शब्द किसने बनाया था, तो दोस्तों ये जो जीन शब्द है ये डब्ल्यू एल जोहानसन के द्वारा यूज किया गया था या फिर बनाया गया था। दोस्तों जीन तो ये जीवित प्राणियों की एक अनुवांशिक इकाई होती है और इसकी जो खोज थी वो जॉनसन के द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर होगा डब्ल्यू एल जॉनसन। नेक्स्ट, गर्भाशय यानी वूम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो दोस्तों गर्भाशय को हम यूटेरस बोल सकते हैं या फिर यूटेरस के नाम से जानते हैं। दोस्तों यूटेरस एक मजबूत मांसपेशियों से बना एक थैली जैसा अंग होता है जो महिला के पेट में काफ़ी नीचे की ओर स्थित होता है, तो उसी को हम उम्ब कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं या फिर यूटेरस कहते हैं। नेक्स्ट, एम्नियोसिंटेसिस यानी कि भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है क्यों, दोस्तों इसका प्रयोग जो है भ्रूण लिंग के चुनाव के लिए किया जाता है, यानी कि पहले से ही लोग जानकारी कर लेते हैं कि हमारे भ्रूण में यानी कि हमारे पेट में जो बच्चा होने वाला है वो लड़का है या लड़की है, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको पैदा करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो है कि भ्रूण लिंग परीक्षण न हो इसी वजह से एम्नियोसिंटेसिस पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है कितनी, दोस्तों जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या जीरो है। जी हाँ दोस्तों, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या शून्य होती है क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। नेक्स्ट, एलोसोम होते हैं, दोस्तों एलोसोम जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र। मनुष्य में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं यानी कि 46 गुणसूत्र, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं स्त्रियों और पुरुषों में समान होते हैं और अपने अपने में समजात होते हैं, और जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है वो विषमजात गुणसूत्र एलोसोम कहलाते हैं, तो एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट, सॉरी, निम्नलिखित में से किन में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है, तो दोस्तों यह केवल स्त्रियों में होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मानव में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम, जबकि 23वां जो जोड़ा है वो एलोसोम होता है यानी कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है। दोस्तों स्त्री में गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म होता है यानी कि जो दोनों एक्स होते हैं, लेकिन पुरुष में जो 23वां जोड़ा है उसमें एक एक्स होता है तो दूसरा वाई गुणसूत्र होता है, तो किन में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है, तो हो जाएगा केवल स्त्री में, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्स होता है। नेक्स्ट, शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है, तो दोस्तों ये होता है पिता के गुणसूत्री योगदान पर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 23वां जो जोड़ा होता है गुणसूत्र का वह एलोसोम होता है यानी लिंग गुणसूत्र कहलाता है। दोस्तों स्त्रियों में 23वां जोड़ा एक्स एक्स होता है और पुरुषों में यह एक्स वाई होता है। अगर निषेचन के बाद अगर स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिले तो संतान होने वाली लड़की होगी, और अगर स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिले तो होने वाली संतान लड़का होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किसी भी हालत में ये पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, तो हम ऑप्शन ए लेंगे यानी कि पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं, दोस्तों ये हो जाते हैं अल्जाइमर रोग से, यानी डाउन सिंड्रोम को हम मंगोली जड़ता भी कहते हैं, मंगोली जड़ता कहलाता है ये, डाउन सिंड्रोम जो है यह मंगोली जड़ता कहलाता है।
और ऐसे जो व्यक्ति हैं अपरिहार्य रूप से अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो दोस्तों ये विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा। जी हाँ दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए परीक्षण की तकनीक विकसित की गई थी इनके द्वारा। दोस्तों फॉरेंसिक साइंस में इसका उपयोग पुलिस द्वारा जासूसी कार्य और अपराधियों की पहचान करने में किया जाता है। तो डीएनए परीक्षण विकसित किया गया डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा। नेक्स्ट, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? दोस्तों ये शुरू किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रतिपादन इन्होंने 1953 में किया था, जिसे हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। तो डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1953 में। नेक्स्ट, अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? दोस्तों ये कहलाता है अंगुली छाप। जी हाँ दोस्तों, अंगुली लेखन विज्ञान को हम अंगुली छाप नाम से जानते हैं। इसकी जो प्रयोगशाला है यह हैदराबाद में स्थित है। पूछ लेता है कभी कभी प्रयोगशाला कि अंगुली लेखन विज्ञान की जो एक प्रयोगशाला कहाँ है, तो वो हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दोस्तों वो हमारी है पेंटोस। जी हाँ दोस्तों, डीएनए और आरएनए दोनों में पेंटोस प्रकार की शर्करा होती है। डीएनए में यह डीऑक्सी राइबोज तथा आरएनए में राइबोज नाम से जानी जाती है। यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों में पेंटोस शर्करा पाई जाती है और डीएनए में हम इसे डीऑक्सी राइबोज तथा आरएनए में राइबोज नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा पेंटोस। नेक्स्ट, गुणसूत्रों में होते हैं? दोस्तों गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुणसूत्र जो कि सभी वनस्पति और प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक तंतु रूपी पिंड होते हैं और यह सभी अनुवांशिक गुणों को एक दूसरे में संचारित करते हैं। दोस्तों गुणसूत्र की संरचना में दो पदार्थ विशेष रूप से शामिल होते हैं, कौन कौन से? तो वो जगह डीएनए और एक प्रोटीन होता है हिस्टोन नाम का। हिस्टोन नामक प्रोटीन है, तो हिस्टोन नामक एक प्रकार का प्रोटीन और डीएनए इसमें शामिल होते हैं। तो राइट आंसर होगा डीएनए और प्रोटीन। दोस्तों ये हिस्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा प्रोटीन, तो वो हो जाएगा हिस्टोन। नेक्स्ट, जीवन का ब्लूप्रिंट है? दोस्तों जीवन का ब्लूप्रिंट है हमारा डीएनए। जी हाँ दोस्तों, डीएनए को ही हम जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहते हैं। इससे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। तो जीवन का ब्लूप्रिंट हो जाएगा डीएनए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।